यूपी के बांदा में अपने भाई को कुछ लोगों पर गायब करने का आरोप लगाते हुए एक किशोरी अपने परिवार के साथ लंबे समय से अनशन पर बैठी है। आरोप है कि कुछ दिन पहले गांव के ही रहने वाले लोगों ने उसके भाई के साथ मारपीट की और उसे गायब कर दिया, और जब किशोरी उसके परिवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई तो उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि एक दिन स्थानीय पुलिस उनके घर पहुंची और किशोरी के साथ उन्होंने छेड़खानी की और परिजनों से भी अभद्रता की, जिसके बाद पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो ये अनशन पर बैठ गए। फिलहाल मामले की जानकारी जब आईजी को हुई तो आईजी ने मामले को लेकर एक जांच गठित की है। वह पूरे मामले की जांच सीओ को सौंपी है, जिसको लेकर सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और अनशन को खत्म कराया। ये ग्राम कछार है, थाना गिरवा में, वहाँ का अजय नाम का एक 24 साल का लड़का 9 महीने से गायब है और उसके संदर्भ में उनके परिजन यहाँ धरने पर बैठे थे, जिसके संदर्भ में आईजी रेंज महोदय द्वारा एक जांच अधिकारी मुझे नियुक्त किया गया है और इस पूरे प्रकरण की जांच करके, और इसमें गांव के ही राज बहादुर के ऊपर इनका आरोप है कि उन्होंने, उनके परिजनों ने मिलकर मेरे लड़के को गायब किया है, कुछ पुलिस वालों के भी मारपीट के आरोप, जिसके संदर्भ में समुचित जांच करके इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पूरा मामला बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ की रहने वाली एक किशोरी बांदा शहर के अशोक लाल पार्क में अपने परिवार के साथ अनशन पर बैठी है। आरोप है कि उसके भाई को उसके गांव के ही रहने वाले राज बहादुर ने कुछ दिन पहले मारा था और गायब कर दिया था, जिसके बाद पीड़ितों ने न्याय की गुहार की लेकिन किसी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। मेरे भाई का मार के गायब कर दिया, 2 महीने 2.5 महीने हो गया, हम लगातार यहाँ पर अंतर में 13 दिन से बैठे हो, पहले भी एक बार बैठ ही चुके हैं लेकिन हमें छूटा शासन देकर हमें उठा ले गए थे। हाँ। तो हम फिर से यहाँ पर देंगे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएमडी खबर।